हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से नए दिन की शुरुआत है यार। इतनी गर्मी है ना भाई साहब, मौसम सही है, गर्मी इतनी धूप ना तो इतनी चिप तो यार ये तो ह्यूमिडिटी वाला इतना मौसम है ना, चिप 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 वाला मौसम। मैं यहां से जाता हूं बंगला में। कहां पे? यहां से गाइस गर्मी ने बंगला स्टार्ट कर दिया। मैंने बंगला क्लासेस ज्वाइन किया मैंने, और ये हम जाते हैं वो बताएंगे आपको, ये आपको बताएंगे। और ये जो इनिशिएटिव है मैंने इनको धक्के मार मार के भेजा। ये जा नहीं रहे थे, पूछो यार क्यों नहीं जा रहे। अरे मेरे को आता है तो सबको ही होता है यार। एक ना मैं सही बताऊं मतलब, मैंने एक चीज देखी है कि हम जो नॉर्मल फंक्शनों पे भंगड़ा या डांस कुछ भी करते हैं ना, वो एक डिफरेंट है। जो हम सीखते है ना वो एक अलग चीज है। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, हम भंगड़ा वगैरह जैसे देख रहे नॉर्मल करते हैं, हम हाथ ऐसे रखते हैं ऐसे, उसने हाथ हमारे ऐसे रखा है और मेरी बाजू में दर्द हो गई थी। मतलब हम कहते हैं, हम पता नहीं क्या बंदरों की तरह नची आ रहे हैं हम। चलो सब छोड़ो, चलो कुछ एक बात बताओ, बिग बॉस कौन कौन देखता है भाई? मैं देखती हूँ और स्टार्टिंग में धमाल भी बड़ा मचा है। उसने बस सही मजा कर दिया। और अब क्या कहते हैं जो और यूट्यूबर्स आए हैं ना यार, सब बहुत अच्छा चल रहा है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कौन जीतेगा। जो भी जीते यूट्यूबर ही जीते। ये सिस्टम कोई भी जीते यूट्यूबर ही जीते। यूट्यूबर ही जीते। जो मजा आ रहा है ना, जो लेके आ रहे हैं वो कंटेंट सही लगा रहा है, वो सिस्टम मस्त आ रहा है। सिर्फ इनको देखने के लिए ना मैं बिग बॉस ओटीटी देखती हूँ, अदरवाइज मुझे इतना कोई मजा नहीं शुरू में आ रहा था। जब से ये लोग आया ना यार, इंटरेस्ट बढ़ गया। इनकी लड़ाई बड़ी होती है, मुझे बड़ा ही मजा आता है देखने में। तो कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन देखते हैं और किसको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे अच्छा लगता है, कौन किसको सबसे ज्यादा वोट करता है। हाँ। और कौन जीतेगा, कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बताना। कौन जीतेगा? जीतेगा यूट्यूबर ही जीतेगा, तो यूट्यूबर ही जीते। अरे कोई भी जीते भाई, मेहनत कर रहे हो मेहनत। अच्छा मुद्दे की बात करो आप। बुड्ढे की बात, मुद्दे की, बुड्ढे बुड्ढे जो भी है यार। बड़े दिन से सोच रहे थे यार, मतलब कुछ अच्छी वाइफ ना मुझे आने दी थी, तो हम ना बड़े दिन सोच रहे थे कि हम कुछ अच्छा करें किसी के लिए। ये किसी के मुझसे ना मतलब दो शब्द दुआओं के निकलते हैं ना यार, मतलब दिन बन जाता है, जिंदगी बन जाती है। तो हम ना थोड़ा सा हम एक इनिशिएटिव सा ले रहे हैं करने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और मतलब आप लोगों का सिर्फ प्यार ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं। मतलब हम चाहते हैं हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहे, और हमें इतना प्यार देना कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ ये बात तो है। अभी एक और रुके हैं। कौन? आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा फील गुड, अच्छी वाइब्स आ रही है। लोगों का रिएक्शन कैसा है इसमें? लोगों का रिएक्शन कैसा है इसमें? रिएक्शन अच्छा है यार, एक नंबर होता है। और एक क्या कहते हैं, नया भी होता है कि कुछ दोसे दे रहे हैं, अच्छा लगता है। मतलब जो भी है, पेट को पेट ही रहता है। किसी का पेट भरा जाए एक टाइम का, इससे बड़ी बात क्या हो। जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, आगे भी करेंगे, भगवान करे इससे भी अच्छा करें आगे जाके। मतलब ऐसे ये पहली बार हमारे हाथों से होते रहे। हाँ हमेशा नहीं किया है हमने, गुरुद्वारों में किया है। वैसे फैमिली के साथ किया है, गुरुद्वारों में किया है, तो आज हम पहली बार ऐसे कर रहे हैं। भगवान करे आगे इससे अच्छा करें।
अभी के लिए तो इतना ही था जितना मैं कर पाई या अमित कर पाया हमने किया। अभी आगे हमने बहुत कुछ सोचा है। वैसे तो अमित का बर्थडे, हमने अमित को बोला कि हम उसको कोई सरप्राइजेज दे रहे हैं, बट आगे उसके लिए बहुत छोटे छोटे सरप्राइजेज हैं। तो अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं अमित को लेके नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको वहाँ जाके मिलूंगी। उनके लिए क्या सरप्राइज है और आगे के लिए हमने उनके लिए क्या क्या सरप्राइज प्लान किया है, तो पूरा ब्लॉग देख के जाना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे कि मैंने बिग बॉस की बात भी की थी तो मुझे उसका कमेंट करके भी जरूर बताना कि कौन जीतेगा, उग्रा इंसान या एलविश यादव, किसका कौन सा फेवरेट है। मैंने तो अपना बता दिया, आप मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए